नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित शर्मा। आपके साथ इस वीडियो में बात करेंगे चंद्रमा खाना नंबर चार की। जब आपकी कुंडली में चंद्रमा खाना नंबर चार में होता है तो किस प्रकार का फल देता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक कुंडली है जिसमें चंद्र खाना नंबर चार में है। तो आज चंद्र खाना नंबर चार की जो विवेचना है, लाल किताब 1941 में से ली गई है, उनकी पंक्तियों पर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर सबसे पहले पंडित जी, जैसे कि जिस प्रकार राशियां लिखते हैं, तो पंडित जी ने चंद्रमा के बारे में भी लिखा है। सबसे पहले चंद्रमा को पंडित जी ने लिखा है कि ये अपने घर का है, पक्के घर का। और उसके बाद जो राशियां लिखी है वो है कि ग्रह फल का है, किस्मत को जगाने वाला, तालाब, कुआं, चश्मा, शांति। तो आपको पता है दोस्तों कि हमारा एक और वीडियो बनता है जिसमें हम ये सभी राशियों को डिटेल में डिस्कस करते हैं और डीकोड करने की कोशिश करते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि पंक्तियों में क्या लिखा गया है। लाल किताब 1941 में पंडित जी ने लिखा चंद्र चार के बारे में। पहली पंक्ति ही सोना चांदी की बात कर दी पंडित जी ने। पंडित जी लिखते हैं, सोना नहीं तो चांदी, दूध नहीं तो पानी, पानी भी नहीं, पानी भी ना सही तो गुरुदेव की बाणी। तो दोस्तों, चंद्र जो है लिक्विड कैश का कारक है, चंद्र पानी, पानी में ही हमारा जीवन जो है, साइंस ने भी माना है कि सबसे पहला जीवन जो है पानी में ही उत्पन्न हुआ। जब बच्चा जब पेट में होता है तो वो भी पानी में होता है। पानी हमारे लिए नेसेसरी है, पानी ही लाइफ है। माँ के बिना जीवन हो ही नहीं सकता, तो चंद्रमा को इसीलिए माँ कहा गया है। तो आज के संसारिक युग में पैसे के बिना ना रोटी मिलती है, ना कपड़ा, ना मकान मिलता है, तो इसलिए एक नेसेसिटी है। तो चंद्रमा को जो है वो भी लिक्विड कैश के साथ रिलेट किया गया है, आई चलाई चलता धन। तो यहां पर पंडित जी ने कहा सोना नहीं तो चांदी, मींस कि ऐसा जातक अगर सोने के काबिल ना होगा, मींस कि उसके पास सोना नहीं होगा, सोने वाली हैसियत शान शौकत का मालिक ना होगा, तो कम से कम चांदी जरूर उसके पास पड़ी होगी। मींस कि ऐसा जातक अगर मल्टी मिलियनरी बिलियनरी ना हो, तो कम से कम करोड़पति ना हो तो लखपति तो जरूर होगा। पंडित जी ने कहा कि ये कहने का भाव पंडित जी का, सोना नहीं तो चांदी। आगे पंडित जी कहते हैं दूध नहीं तो पानी, तो दोनों ही लिक्विड चीजें हैं। तो पंडित जी ने कहा कि अगर दूध नहीं तो पानी, कि ऐसा जातक चांदी भी छोड़ो कि अगर दूध नहीं हो तो कम से कम पानी तो हरदम ही इसके पास होगा। मींस कि पानी क्या है, मेन नेसेसिटी, कि मींस कैसे बंदे की आई चलाई चलती रहेगी, उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। आगे पंडित जी कहते हैं कि पानी भी ना सही तो गुरुदेव की बारी, कि अगर ऐसे जातक के पास पानी भी ना हो तो ऐसे जातक के पास गुरुदेव की बाणी, गुरुदेव की बाणी क्या होती है, ज्ञान। ऐसे जातक के पास ज्ञान जरूर होगा और उसके जरिए वो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा रहेगा, कुछ ना कुछ उसका जो आई चलाई है वो चलती ही रहेगी। तो चंद्र जितना मर्जी खराब हो, अगर सोना ना दे सके तो चांदी दे देगा, दूध ना दे सके तो पानी दे देगा, पानी भी ना दे सके तो कम से कम आपको नॉलेज दे देगा, एजुकेशन दे देगा, क्योंकि चंद्र तालीम का कारक भी बताया गया है। किसी न किसी तरह से जो स्टडी है, तालीम है, उसके साथ चंद्रमा को लिंक किया गया है। तो ऐसे केस में अगर इस जातक ने कोई भी एजुकेशन हासिल की हो तो उसका फल इसको जरूर प्राप्त होता है। तो पंडित जी के कहने का भाव अर्थ ये है कि 99% चंद्रमा यहाँ पर बैठा पॉजिटिव ही है, अच्छा फल ही देता है। पर कंडीशंस है आगे, वो आगे देखेंगे हम। हर चीज में इफ एल्स स्टेटमेंट है, एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर की तरह है लाल किताब, कि हर चीज में एक कोड लगा हुआ है। तो जैसे किसी ने C++ करते हैं तो सॉफ्टवेयर करते हैं तो उसको पता होगा कि हर एक चीज एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। तो ऐसे जातक को चाहिए कि जो हमेशा ही दूसरों को भी हेल्पिंग हैंड देता रहे। मींस कि अगर इसने गुरुदेव की बाणी से पानी तक पहुंचना है और पानी से दूध तक पहुंचना है, दूध से चांदी तक पहुंचना है, तो चांदी से सोने तक पहुंचना है। मींस कि अगर जिसके पास ये चीजें नहीं है और ये चीजें पानी है, तो सबसे पहले अपना नॉलेज लोगों को दे, अपना ज्ञान लोगों को दे, अपना हेल्पिंग हैंड लोगों को दे, मार्गदर्शन करे, लोगों की हेल्प करे, उसके बाद इसे पानी मिलेगा। पानी लोगों को पिलाए पानी देगा तो उसे दूध मिलेगा, दूध लोगों को पिलाए दूध देगा तो उसे चांदी मिलेगी, चांदी लोगों को देगा तो इसे सोना मिलेगा। मींस कि जो इसके पास है उसको ये बांटे, उसको ये
और लोगों में अच्छे नेक तरीके से, नेक दिल से, नेकी के साथ उसको लोगों में देख, तो इसको ऑटोमेटिकली इसकी प्रमोशन होती जाएगी. इन द सेंस अगर उसको लाइनों को उल्टा करके देखे तो इट मेक्स सेंस. तो चले दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट वाली पंक्तियों में क्या लिखा गया है. आगे पंडित जी कहते हैं घर चौथे चंद्र होने पे होगा जावीदानी. हमेशा जावीदानी होता है कि अपना जीवन तक दान कर दे, अपना सर्वस्व दान कर दे. जैसे कि हम कहते ना हर वंश दानी आवे, हमारे जो सच्चे पातशाह हैं गुरु गोविंद सिंह जी, उनके लिए यूज किया जाता है. इन्होंने धर्म के लिए अपने जो चारों के चारों पुत्र भी वार दिए. तो ऐसा चंद्र जब चौथे में होता है तो यहाँ पर ये चंद्र खुद अपने आप को खत्म भी होता हो तो किसी ना किसी तरह से जातक को इफेक्ट करता है. और यही जो चीज है इस जातक में भी होनी चाहिए, ये चाहे कुछ भी हो अपने माता पिता की सेवा इसको करनी चाहिए तो ही ऐसे जातक, खासकर माँ की सेवा इसे बहुत फलती है, मातृभूमि की सेवा इसे बहुत फलती है. तो पंडित जी का घर चौथे चंद्र होने पर होगा जावीदानी. पिता को तारे, माता को तारे, तारता वो घर सबको है. तो फोर्थ हाउस जो है हमारा सुख है, चंद्र की एनर्जी सेकंड हाउस में है, जो हमारा कुटुंब है उच्च की एनर्जी वहां पर है. तो पंडित जी के कहने का मतलब है कि यहाँ पर चंद्र जो है हमेशा ही इस जातक की कुंडली के लिए, इस जातक के लिए हेल्पफुल होगा. इसके पिता को तारेगा, माता को तारेगा. चंद्रमा माता का कारक है, सूर्य पिता का कारक है. तो चंद्रमा अगर बली होगा तो ऐसी कंडीशन में ये जातक जब घर में जन्म लेगा तो माता पिता को जरूर सुख महसूस होगा, इसकी लाइफ में खुद सुख रहेगा माता पिता की सेवा करने से. आगे पंडित जी कहते हैं माया से तारे, दया से तारे, तारता वो कुल अपनी है. घर ना मारे, घर ना मारे, मारता मौत निमानी है. तो कहने का भाव अर्थ ये है कि जब भी चंद्रमा फोर्थ हाउस में होगा तो ऐसा जातक कुंडली वाला, ऐसे जातक की कुंडली, जातक खुद अपने परिवार को, कुल को माया से तारता है. मीन्स कि अच्छा खासा पैसा इसके जन्म के बाद घर में आता है. दया से तारता है, हेल्पफुल होता है परिवार कुल के लिए, किसी ना किसी तरह की सबकी मदद करता है. आगे पंडित जी कहते हैं घर ना मारे, घर ना मारे. तो यहाँ पर जो ये चंद्र है ऐसे जातक को घर में नहीं मारता. मीन्स कि जब भी उसकी मौत होगी वो घर से बाहर ही होगी. घर जो है वो फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस में उसको सुख मिलना है तो मौत नहीं मिलेगी मोस्टली. तो ऐसे जातक की जो मृत्यु होगी हो सकता है कि घर से बाहर हो, घर में ये चांसेस कम होंगे कि ऐसे जातक की डेथ होगी, अनलेस एंड अंटिल जो चंद्रमा की कंडीशन बहुत खराब है. अगर तो चंद्रमा बली होकर बैठा है तो ऐसे जातक की घर ना मारे, घर ना मारे. तो इस जातक की मौत जो है वो घर में नहीं होगी. या पंडित जी लिखते हैं मारता मौत निमानी है. तो अगर ऐसे जातक की घर में मौत हो तो मौत जो निमानी, मौत निमानी का मतलब है कि पीसफुल डेथ, कि जैसे ये बंदा बहुत लंबे अरसे तक दुख दर्द भोगकर नहीं मरेगा, कष्ट भोगकर नहीं मरेगा. मीन्स कि जैसे आपने देखा होगा रात को आदमी सोया और सुबह पता चला कि यार उसकी तो रात को हार्ट अटैक हो गया, डेथ होगी उसकी, पता भी नहीं चला. मीन्स कि ऐसे जातक की जो मृत्यु होगी वो पीसफुल होगी. इसका कारण क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बैठा चंद्रमा की अगर फिफ्थ और नाइन्थ का रिलेशन देखें तो पांचवा और नौवा जो उसकी घर, जिनको हम बुनियाद कहते हैं, दोस्त कहते हैं, वो बनते हैं आठवा घर और बारहवा घर. तो दोनों ही जो आठवा और बारहवा घर है दोनों ही गैबी दरवाजे हैं, एक मृत्यु का है तो एक आखिरी श्वास का है. तो चंद्रमा जो है वो क्या है, मन है, शांति है. तो ऐसे ही कंडीशन में ऐसे जातक की जो मृत्यु होती है बहुत ही पीसफुल डेथ होती है. वो तड़प तड़प के, जैसे कई मरीज होते हैं ना तड़प तड़प के, कि डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं कि यार, या घर वाले परेशान हो जाते हैं कि यार इसकी तो मृत्यु नहीं हो रही, बेड पे इतनी देर से बैठा है, बहुत परेशान हुआ, हम ये परमात्मा से ये दुआ करते हैं इसको उठा ले. तो ऐसी कंडीशन चंद्रमा चार में नहीं होती. इसकी जो मृत्यु होगी वो पीसफुल डेथ इसको प्राप्त होगी. ये पंडित जी के कहने का भाव अर्थ है यहाँ पर. आगे पंडित जी कहते हैं ना भी देखी आंख भी देखी, देखी तो पुड़पड़ी भी है. जो ना देखा राहु ना देखा, ना ही देखा केतु है. तो ना भी जो है खाना नंबर नौ, जो बृहस्पति का पक्का घर है, बृहस्पति यानी कि चंद्र जब भी खाना नंबर चार में हो तो ऐसी कंडीशन में बृहस्पति को देखना लाजमी है कि बृहस्पति किस, क्योंकि बृहस्पति धन का सिग्निफिकेटर भी है. अगर चंद्रमा स्टडी है तो बृहस्पति स्टडी
को देने वाला ग्रह है। चंद्रमा मन है, अगर मन एकाग्र है पर आपका टीचर ही अच्छा नहीं है तो आप क्या कर रहे कर लेंगे, और अगर टीचर अच्छा है और आपका मन ही एकाग्र नहीं है तो भी क्या कर लेंगे चंद्रमा। इसीलिए बृहस्पति जो है खाना नंबर चार में उचका होता है, तो यहाँ पर खाना नंबर चार में बृहस्पति को देखना लाजमी है। अगर खाना नंबर चार की हमने देखने की क्या कंडीशन दे रहा है चंद्रमा, ना भी देखी आंख भी देखी, सूर्य आंखों का कारक सूर्य है, और कुंडली की आंखें अगर बात करें तो खाना नंबर दो और खाना नंबर बारह, खाना नंबर दो में उच्च की एनर्जी है तो बारह बहुत बुरा है चंद्रमा के लिए, आपको पता है। देखी तो पुड़पड़ी भी है, पुड़पड़ी खाना नंबर आठ, शनि का हेडक्वार्टर शनि इट्सल्फ, तो वैसे भी लाल किताब में ग्रामर कहा गया है कि जब भी खाना नंबर चार में कोई ग्रह आता है तस्वीर वो चंद्र की पाता असर वहां जाता है जहां शनि हो। तो जब भी खाना नंबर चार में चंद्रमा हो तो तीन ग्रहों को हमने चेक करना है, बृहस्पति शनि और सूर्य। तीन ग्रह अगर ठीक हो तो चंद्रमा बहुत अच्छा फल देता है, अगर तीनों में से कोई भी खराब हो तो उसके मीन्स की सुसु फल मिलेंगे, इतने अच्छे फल नहीं मिलते। पंडित जी ने कहा जो ना देखा राहु ना देखा ना ही देखा केतु है, तो राहु केतु चाहे कुंडली में अब कैसा भी बैठा हो, चाहे वो क्यों ना रहा चंद्रमा के साथ आकर बैठ जाए, पंडित जी ने ये कहा कि राहु केतु खाना नंबर चार में पाप नहीं करेंगे, पाप ना करने की कसम खा लेंगे। तो यानी कि यहाँ पर चंद्रमा चार के समय राहु केतु को देखना इतना लाजमी नहीं है, राहु केतु पापी ग्रह है। मेन कंडीशन यहाँ पर क्या देखनी है, बृहस्पति की देखनी है, सूर्य की देखनी है और शनि की देखनी कंडीशन लाजमी है इस कंडीशन में कि चंद्रमा किस प्रभाव में है, कैसा बैठा है, बली है या किस प्रकार का फल देगा। तो आगे पंडित जी वही बात कंटिन्यू करते हैं, पाप नहीं वो इस घर करते, मदद तो उनकी होती है कि राहु केतु अगर खाना नंबर चार में भी आ जाए, चंद्र के साथ भी आ जाए या चंद्र की दृष्टि के अंदर आ रहा है, मीन्स कि चंद्र को किसी तरह से प्रभावित कर रहे हो, तो भी अब वो क्या करेंगे, पाप नहीं करेंगे। तो चंद्रमा किसी ना किसी तरह से उनकी मदद करेगा या बाकी ग्रह उनकी मदद करेंगे। तारे ख्वारा तारे मर्जी, ये उनकी मर्जी है कि अब वो अच्छा फल दे या ना दे ये उन पर निर्भर है। कसम पाप की होती है, मीन्स कि वो कसम खा लेते हैं कि पाप नहीं करेंगे, पाप ना करने की कंडीशन है कि वो पाप नहीं करेंगे। ये कंडीशन नहीं है कि वो आपको अच्छा फल दें या ना दें, कि राहु केतु अगर बुरे बैठे हैं कुंडली में तो उस टाइम ये कंडीशन है कि वो जरूरी नहीं कि अच्छा फल दें, पर वहां पर पाप नहीं करेंगे, बुरा नहीं कहा पाप नहीं करेंगे, मीन्स कि किसी तरह से कुंडली वाले का नुकसान करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये खाना नंबर चार के बारे में पंडित जी ने बताया है। तो आगे पंडित जी ने ब्रीफ समरी में बताया है कि जद्दी कारोबार मुबारक फल का होगा, जद्दी कारोबार मीन्स की जो आपके बुजुर्ग करते हो, मीन्स की बृहस्पति या सूर्य, वो जो भी आपका काम चल रहा हो उस फील्ड में अगर आप आगे काम करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चंद्र चार के समय पे चंद्र वहां पर आपको मदद ही देगा। जन्म शुक्ल पक्ष हो तो बुढ़ापा उमदा, यानी कि पंडित जी ने कहा है कि जन्म अगर शुक्ल पक्ष, जैसे कि मैंने बताया है कि जो ग्रोइंग फेस ऑफ मून होता है, तो अगर उसका हो तो बुढ़ापा उमदा, वरना मीन्स की अगर कृष्ण पक्ष का हो, मीन्स की जो चंद्रमा जब कम होता है डार्क फेस ऑफ मून, तो बचपन उमदा होगा, बुढ़ापे की कोई गारंटी नहीं पर बचपन अच्छा होगा। और राहु केतु का साथी होना गिना जाएगा, मीन्स की ऐसी कंडीशन में अगर चंद्रमा जो है इस जातक का चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है, डार्क फेस ऑफ मून है, मीन्स की जिसमें घटता है चंद्रमा उन दिनों का है, तो जो चंद्रमा है उसको ऐसा माना जाएगा कि उसके साथ राहु केतु है, मीन्स की राहु केतु की दृष्टि है उस पर, या चंद्रमा पूरा भली नहीं है, पूरा फल नहीं दे पा रहा, पर उस कंडीशन में ये होगा कि पाप नहीं वो करेंगे, पाप की कसम खाएंगे ना करने की, पर अच्छा फल दें या ना दें ये उन पर निर्भर करता है, उनके उपाय करने जरूरी हो जाएंगे। कपड़ा बजाजी के काम में माता का साथ मुबारक, तो पंडित जी ने कहा कि अगर ऐसा जातक कपड़ा बजाजी का काम करता हो, क्लोथ्स का काम करता हो, रेडीमेड गारमेंट्स का काम करता हो, तो उस कंडीशन में माँ का साथ जो होगा मुबारक होगा। दोस्तों जो चीज मैंने देखी है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसे जातक को माँ को इन्वॉल्व करना चाहिए किसी ना किसी तरह से। जैसे मैंने जो चीज देखी, ऐसे जातक अगर मीन्स की स्कूल जाता है तो माँ से लेके पैसे जाता है तो उसमें बरकत रहेगी। अगर जातक जॉब करता है या कोई चीज नई स्टार्ट करने लगा है, कुछ लेने लगा है, कुछ खरीदने लगा है,
तो उसमें से थोड़े से पैसे माता से लेके उस चीज में डालता है तो उसमें भी बरकत रहेगी। माता के आशीर्वाद से कोई काम करेगा तो बरकत रहेगी। माता का साथ रखेगा, कोई इसने बिजनेस खोला है माता के नाम पर बिजनेस खोलेगा या बुजुर्गों के नाम पर बिजनेस खोलेगा तो भी वो इस जातक को किसी ना किसी तरह लाभ ही देता है, वरना भाई से नुकसान होगा। औलाद 12 साल होती रहे तो पंडित जी ने यहाँ बोला कि औलाद का भी सुख मिलेगा, तो 12 साल की तो आजकल के ज़माने में गारंटी नहीं, एक दो बच्चे होते। तो कहने का भाव है कि शादी के बाद बच्चे हो सकता है किसके जल्दी हो जाए, ठीक है, और हो सकता है बच्चे ज़्यादा हों, तो ये कंडीशंस है। तो कैसा लगा हमारा वेचन दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वही जो मैं आपका जो आपकी जो फीडबैक है, आपका जो प्यार है, वही मेरे लिए कीमती धन है। तो अपना प्यार देते रहे, लाइक कमेंट शेयर करते रहे, तो और वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।